गुड मॉर्निंग, ये दीक्षांत मेगा पीटी टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट नंबर 13 का आंसर डिस्कशन सेशन है। इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 36 से 70 तक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है कि इंटरनेट गवर्नेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयोग में से सही कथन को चुनें। तो पहला है ट्यूनिस एजेंडा, जो इन्फॉर्मेशन सोसाइटी पर विश्व शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड समिट ऑन इन्फॉर्मेशन सोसाइटी 2003-2005 का परिणाम था, ने बहुहितधारक के सिद्धांत को बरकरार रखा। और दूसरा, उस सिद्धांत की बात की गई है कि बहुहितधारक मॉडल का अर्थ है कि इंटरनेट मुख्य रूप से नागरिक समाज और कंपनियों की एक सीमित भूमिका वाले अंतर सरकारी समझौते पर शासित होगा। देखिए, ऐसे तो आपका स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है, लेकिन थोड़ा पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, दो चीजें आ हैं। पहला, मल्टीलेटरलिज्म, और दूसरा है मल्टी स्टेक होल्डरिज्म। जो बहुहितधारक मॉडल है, और ये है बहुपक्षीय, ये दो इंटरनेट गवर्नेंस के मॉडल हैं। तो इससे पहले तो ये कि इंटरनेट गवर्नेंस क्या है और अभी क्या स्थिति है, उसमें क्या बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है इत्यादि, इसके बारे में थोड़ा समझना चाहिए। देखिए, आपको पता है कि हम और आप जो इंटरनेट यूज़ करते हैं उसके पीछे काफ़ी बड़ा ग्लोबल गवर्नेंस का एक फ्रेमवर्क है, एक सेटअप है। जैसे कि आपने सुना होगा, एक बॉडी है इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स, और उसी से जुड़ी है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। ये एक संस्था है, ऐसे कई रीजनल रजिस्ट्रीज हैं और भी कई पैरामीटर सेट करने वाली सॉफ्टवेयर पैरामीटर सेट करने वाली बॉडीज़ हैं इत्यादि। तो क्या है अभी कि मोस्ट ऑफ देम आर इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए। तो स्वाभाविक है, अगर कोई एंटिटी अगर भारत में इनकॉर्पोरेटेड होती तो उस पर भारतीय रेगुलेटर्स का, भारतीय मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स का कंट्रोल होगा, भले ही उसके फंक्शंस ग्लोबल क्यों ना हो। सिमिलरली, मोस्ट ऑफ द इंटरनेट गवर्नेंस से जुड़ी हुई कंपनियाँ वो जो हैं वो यूएस में इनकॉर्पोरेटेड हैं। नॉट ओनली गूगल, अमेजोन, फेसबुक, बट दोज कंपनीज विच प्रोवाइड द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेट ऑल्सो। आप अपने स्तर पर चाहें तो थोड़ा इसमें डीपली देख सकते हैं कि ये कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये क्या काम करती हैं और कैसे इनके काम की मदद से इंटरनेट स्मूथली चलता है। तो एज आई सेड, मोस्ट ऑफ देम आर इनकॉर्पोरेटेड इन यूएस, सो दे आर रेगुलेटेड बाई यूएस गवर्नमेंट एंड और यूएस गवर्नमेंट का उन पर ज़्यादा असर भी है। लेकिन आपने सुन, पिछले सालों में उनकी NSA से जुड़ा हुआ लीक्स हुआ, एडवर्ड स्नोडन वाला इशू हुआ, विकी लीक्स का इशू हुआ, बाद में पता चला कि अमेरिकन गवर्नमेंट कई सारी हेड ऑफ स्टेट्स को भी के ऊपर स्पाइंग कर रही थी। तो एक ग्लोबली मांग उठी कि भाई इस सिचुएशन में बदलाव लाने की ज़रूरत है, कि ऐसा नहीं चल पाएगा। तो इस दिशा में पहले से भी कदम उठाए जा रहे थे, लेकिन हाल के वर्षों में उसकी रफ्तार बढ़ गई। तो जो पहले उठाए गए कदम थे उसमें से एक ये है कि वर्ल्ड समिट ऑन इन्फॉर्मेशन सोसाइटी, ये 2003 में जो हुआ था वो जिनीवा में हुआ था कॉन्फ्रेंस, और 2005 में ये ट्यूनिशिया में कॉन्फ्रेंस हुआ था। इट वॉज अ UN स्पॉन्सर्ड कॉन्फ्रेंस। इसमें दुनिया भर के काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट कंपनीज, इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंपनीज इत्यादि, उन्होंने भाग लिया और एक ट्यूनिस एजेंडा डेवलप किया। इस एजेंडा ने अमंग अदर थिंग्स दो चीज़ें की, एक तो मल्टी स्टेक होल्डरिज्म के सिद्धांत को अपहोल्ड किया और दूसरा एक सोसाइटी का गठन किया, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। 2015 में इस फोरम की मीटिंग हुई आफ्टर दैट होल स्पाइंग एपिसोड, कि पता चला कि कैसे NSA, जो अमेरिका की NSA है, वो दुनिया भर में स्पाइंग करती है, एडवर्ड स्नोडन वाला मामला, विकीलीक्स वाला मामला इत्यादि। उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस हुआ जहां फिर से मल्टी स्टेक होल्डरिज्म की बात की गई। तो ये भी ट्यूनिस एजेंट वहीं पे ही बना था, ये दोनों चीजें। आप थोड़ा और डीपली देख सकते हैं इन बॉडीज के बारे में।
अब सवाल यह है कि मल्टीलैटरलिज्म और मल्टी स्टेकहोल्डरिज्म क्या है। देखिए दोनों सिद्धांत कहते हैं कि इंटरनेट का जो करंट गवर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर है विच इज प्राइमरली डोमिनेटेड बाय यूएसए दैट शुड बी चेंज्ड और उस पर बाकी दुनिया का कंट्रोल होना चाहिए, बाकी दुनिया की ओपिनियन उसमें कंसिडर किया जाना चाहिए। लेकिन उसमें फिर दो ब्रॉड मॉडल दिए जाते हैं कि वो कैसे होगा। जो मल्टी स्टेकहोल्डरिज्म कहता है कि जो भी कन्वेंशंस बनेंगे, प्रोटोकॉल्स होंगे, ट्रीटीज होंगी, नॉर्म्स बनेंगे, चाहे यूनाइटेड नेशंस के अंदर हो या किसी और एग्रीमेंट के अंदर हो, आपने एनवायरनमेंट में देखा होगा इतने सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, तो जो भी बने उसमें गवर्नमेंट्स का, सिविल सोसाइटी का, प्राइवेट सेक्टर का, इंटरनेट कंपनीज इत्यादि, इन सब का एक कंस्ट्रक्टिव रोल हो। वेरेस मल्टीलेटरलिज्म कहता है कि नहीं, इट शुड बी प्राइमरली एन इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट और उसमें सिविल सोसाइटी का और प्राइवेट सेक्टर का कम रोल होना चाहिए। मोस्टली जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं वो मल्टीलेटरलिज्म के सपोर्ट में हैं, रशिया, चाइना इत्यादि, वो कहती हैं कि नहीं, सरकारों के बीच मामला तय होगा और सिविल सोसाइटी को इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है या उतना रोल अदा करने की ज़रूरत नहीं है। विराज मल्टी स्टेकहोल्डरिज्म आप समझ सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक मॉडल है, वो कहता है कि नहीं, हम सब इसमें स्टेक होल्डर हैं, हम और आप भी, हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो सीधी बात है हमारा हक बनता है ओपिनियन देने का कि वो कैसे गवर्न किया जाना चाहिए। तो स्टेटमेंट एक सही है, स्टेटमेंट दो गलत है, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुहितधारक मॉडल का नहीं, वो बहुपक्षीय मॉडल का है। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। क्वेश्चन 37, इसमें देखिए स्टेटमेंट की फ्रेमिंग ही इतनी बढ़िया तरीके से की गई है कि ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। लिखा हुआ है, कृषि मंत्रालय द्वारा हाल ही में उद्यमिता विकास और रोजगार सृजन कार्यक्रम जो पशुधन मिशन के का एक उपघटक है के तहत लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड में सब्सिडी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उस वेब पोर्टल का सही शीर्षक है। आपने अब तक फिगर आउट कर ही लिया होगा, सही नाम है इंश्योर। ये दरअसल देखिए जो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है, पशुधन मिशन है, उसके तहत एक सब कंपोनेंट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो अब लाइफ स्टॉक सेक्टर में किस टाइप की एंटरप्रेन्योरशिप होगी, आप अगर कोई पोल्ट्री फार्म खोल रहे हैं या आप ऐसे कोई ऐसे ही फिशरीज के लिए एक्वाकल्चर में कुछ कर रहे हैं इत्यादि, तो ऑब्वियसली रिलेवेंट होगा। आप किसी को ये ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्मॉल यूनिट खोलना है तो वो तो इस कंपोनेंट के अंदर आएगा नहीं, वो तो अलग सेपरेट चीज़ हो गई। आपने देख लिया होगा कि इंश्योर जो है ये नाबार्ड द्वारा डेवलप किया गया है। अब इसमें क्या है कि आपने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मिलती है कि आपने लोन लिया और आपने इस स्कीम के तहत अप्लाई किया है तो आपको उसमें सब्सिडी मिलेगी, लेकिन वो सब्सिडी इमीडिएटली नहीं दी जाती है बिकॉज इट हैज़ टू बी वेरीफाइड बाय रिलेवेंट अथॉरिटीज। सो वंस इट इज़ वेरीफाइड दैट सब्सिडी क्लेम इज़ ऑटोमेटिकली अपलोडेड विद इन 30 डेज। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए, इंश्योर। क्वेश्चन 38, पेक्योंग हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आंसर होगा सिक्किम। ये एक्चुअली सिक्किम का पहला हवाई अड्डा है। आपको एक्चुअली इंटरनेट पे जाके उस हवाई अड्डे की तस्वीरें देखनी चाहिए, वो काफ़ी यूनिक लोकेशन पे बनाया गया है एंड इट मस्ट हैव बीन वेरी चैलेंजिंग उसको वहाँ पे डेवलप करना, इट मस्ट हैव टेकन वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। ये इमीडिएटली गैंगटॉक में नहीं है, वहाँ से 35 किलोमीटर साउथ पे आया हुआ है। तो यहाँ पे 38 में आपका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, फॉरेन विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसमें से सत्य कथन को चुनें। पहला है, उन्हें उत्प्रवास अधिनियम यानी इमिग्रेशन एक्ट के तहत स्थापित किया गया है, और दूसरा, सभी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के नियंत्रण में संचालित होते हैं। देखिए आपको पता होगा कि भारत आने वाले सभी फॉरेनर एक्सेप्ट ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर वो लंबी समयावधि के लिए आए हैं यानी कि मोर देन 180 डेज, तो उन्हें ये FRRO में आके या अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, FRRO नहीं तो और भी बॉडीज़ हैं वहाँ पे, और दैट यूजुअली हैज़ टू हैपन विद इन 14 डेज, आपके अराइवल के 14 डेज के अंदर, और ये कोई ज़्यादा दूर नहीं होते, एयरपोर्ट्स के आसपास ही होते हैं या डेजिग्नेट लोकेशंस पे होते हैं, सो यू कैन गो देयर। एक्सेप्ट अगर कोई पाकिस्तानी व्यक्ति है तो चाहे उसका वीज़ा एक दिन का ही क्यों ना हो, उसे अपने अराइवल के 24 घंटे के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत होती है फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो ये एक्ट, ये एक रूल है, रूल किस में है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट है किसके लिए,
ये 1939 और इसके जो रूल्स हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट उसके तहत ही प्रावधान किए गए हैं। तो इसके लिए और भी कई सारे एक्ट हैं जिसके अंदर आपको इमिग्रेशन एक्ट हो गया और भी कई सारे एक्ट हैं जिसके तहत इट इज़ नेसेसरी फॉर फॉरेनर्स अराइविंग इन इंडिया टू रजिस्टर देमसेल्फ। तो आपका पहला स्टेटमेंट है कि इन ऑफिसेस को इमिग्रेशन एक्ट के तहत स्थापित किया गया, विच इज़ नॉट ट्रू। और दूसरा, सभी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के नियंत्रण में संचालित होते हैं। ये देखिए, ये भारत आने वाले विदेशियों की सूची मेंटेन करना, उनका रजिस्ट्रेशन करके रखना प्राइमरीली ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का काम है, और इसके लिए वो FRRO की मदद लेता है। फिर कई जगह पे जहाँ पे FRRO नहीं है वहाँ पे सेंट्रल इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं, और जहाँ पे वो भी नहीं है वहाँ जिले के DSP या SP हैं, वो एज एन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का काम करते हैं। सो दे असिस्ट ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन बट उसके द्वारा संचालित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट नंबर 1 भी गलत है और 2 भी गलत है। आपका आंसर है ऑप्शन D। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया हुआ है कि इसका उद्देश्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के समग्र मानकों में सुधार करना है। ये गलत इसलिए है क्योंकि ये केंद्रीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए नहीं है, ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और उनसे एफिलिएटेड कॉलेजेस के से जुड़ा हुआ है। ये उनमें क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए वाया टीचर ट्रेनिंग हो गया, टीचर रिक्रूटमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, लॉन्चिंग न्यू प्रोग्राम्स हो गया इत्यादि, ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए स्टेट्स यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। दूसरी चीज़, ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मीन्स 60-40 कंट्रीब्यूशन का रेशियो रहेगा, मोस्ट ऑफ में ऐसा होता है। तो पहला गलत है, रूसा के तहत धनराशि सीधे संबंधित संस्थानों को हस्तांतरित की जाती है। ये गलत इसलिए है क्योंकि पहले स्टेट जो है वो स्टेट हायर एजुकेशन प्लान बनाती है, उस प्लान के अकॉर्डिंग सेंटर फंडिंग सैंक्शन करता है, और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल, और उसके बाद रिलेवेंट इंस्टीट्यूशंस तक पैसा पहुंचता है। तो डायरेक्टली नहीं दिया जाता है कि इसमें वो DBT वाला नहीं है कि सीधा बीच में सारे इंटरमीडिएट्स को जम करके पैसा पहुंच गया। दूसरा भी गलत है। तीसरा, यह पूरी तरह से मौजूदा संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करता है और नए संस्थानों को स्थापित करने के लिए कोई फंड नहीं देता है। दरअसल वो भी है कि अगर नई यूनिवर्सिटी बनानी है, कोई ज्योग्राफिकल एरिया है जहाँ पे कंटिग्यूस कॉलेजेस को मिला के एक नई यूनिवर्सिटी बनानी है, या कोई एक टिपिकल अलग से कॉलेज ही खोलना है, या कोई डिपार्टमेंट खोलना है विद इन यूनिवर्सिटी, तो उसके लिए भी फंडिंग स्कीम में की जा सकती है। तो आपका आंसर है ऑप्शन D, उपरोक्त सभी गलत हैं। आपको उस असत्य कथन चुनना था यहाँ पे। तो एक भी गलत हो गया, केंद्र नहीं राज्य स्टेट यूनिवर्सिटीज़, 2 गलत हो गया, डायरेक्टली पैसा नहीं जाता है, और तीसरा नए संस्थानों के लिए भी फंडिंग की जाती है। आपका आंसर है ऑप्शन D। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने CVGIL मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यहाँ पे आंसर आएगा चुनाव आयोग। सी का मतलब है सिटीजन। किस चीज पे विजिल रखेंगे? ऑन दी वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अगर आपका कोई उसका डॉक्यूमेंट्री या वीडियोग्राफिक एविडेंस है तो आप इस एप्लीकेशन पे अपलोड कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक एप्लीकेशन होगा तो आप जो भी अपलोड करेंगे इट वुड बी टाइम स्टैम्प्ड, मीन्स इस ये इलेक्शन कमीशन को पता होगा कि ये कब हुआ, कहाँ हुआ होगा इत्यादि। तो यहाँ पे आपका आंसर है चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा के साथ भारत ने दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए एक व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पहले जो था उसे कहते थे DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। अब कई सारे देशों के साथ इसको चेंज करके अग्रीमेंट फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एंड इवेजन, उसका अब नाम कर दिया गया है अग्रीमेंट फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फिस्कल इवेजन, यानी प्रिवेंशन ऑफ फिस्कल इवेजन। ये क्योंकि क्या आपने सुना होगा कि राउंड ट्रिपिंग होती थी, बेस इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग इत्यादि हुआ करता था, तो उन चीज़ों को रोकने के लिए कई सारी DTAA को रिफाइन करके रीनेगोशिएट करके उसको नए से लॉन्च किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ फिस्कल इवेजन, ये उसमें अब जो नए जो नया मसौदा है, इसका ड्राफ्ट है, उसके में दे इंश्योर कि ऐसे स्टेप्स ना ली जा सके। क्या करते हैं उसके लिए? तो मतलब रेसिडेंशियल क्राइटेरिया होता है, फिर कि मतलब कोई एंटिटी है, लीगल एंटिटी है, वेयर इज़ इट एक्चुअली रेसिडेंट,
दूसरी बात उसका सब्सटेंशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहाँ है, सब्सटेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ पे है, सब्सटेंशियल प्रॉफिट कहाँ जनरेट हो रहा है, ऐसे अलग अलग प्रावधानों की मदद से, मतलब इस एग्रीमेंट का जो इसेंस था डबल टैक्सेशन को रोकना उसे भी रखा गया है और साथ में फिस्कल इवेजन को रोकने के लिए भी प्रावधान दिए गए हैं। तो ये थोड़ा चेंज हो रहा है। आपसे पूछा है कि इन चारों में से किस देश के साथ भारत ने ये किया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे ईरान को छोड़ के चीन, ब्राज़ील और बांग्लादेश चारों के साथ ये, और एक कीवर्ड यहाँ पर है व्यापक, तो कॉम्प्रिहेंसिव कई जगहों पे पार्शियल भी है। जैसे कि जो ईरान के साथ है उसका नाम है अवॉइडिंग डबल टैक्सेशन ऑफ इनकम ऑफ एंटरप्राइजेज ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट, उसी हद तक DTAA है कि एंटरप्राइजेज विच ऑपरेट एयरक्राफ्ट उनके डबल टैक्सेशन को रोकने के लिए जो एग्रीमेंट है। तो ईरान के साथ जो है वो एक लिमिटेड है, वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, पूरे रेंज को कवर नहीं करता है। तो एक निकल जाएगा और बाकी चीन, ब्राज़ील और बांग्लादेश तीनों के साथ भारत का ये एग्रीमेंट है। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43, आपदा प्रतिरोधी संरचना पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उनमें से सत्य कथन चुनें। पहला, यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। एक है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिडक्शन, हमें यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन तो कहा है कि NDMA और उसने किया है, वो दोनों तो है ही, साथ ही साथ इसमें वर्ल्ड बैंक और UNDP ने भी सहयोग किया है इस कॉन्फ्रेंस में। तो आपका यहां पे पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और एक्चुअली वर्ल्ड बैंक, UNDP और ग्लोबल कमीशन ऑन एडॉप्शन, ये तीन भी इसमें पार्टनर्स थे। दूसरा, इसे आपदा प्रतिरोधी संरचना हेतु साझेदारी यानी कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में माना जा रहा है, जिससे, और ये कोलिशन अनाउंस कब हुआ था, इसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण नई दिल्ली में एशिया मंत्री सम्मेलन के द्वारा घोषित किया गया था, यानी एक्चुअली 2016 में न्यू दिल्ली में हुआ था एशियन मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ये न्यू दिल्ली में हुआ था, उसके बाद और देशों में भी हुआ है, 18 में भी ये हुआ था। और बेसिकली है कि आपको पता होगा कि जो सेंडाई फ्रेमवर्क ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है उसके पहले था हयोगा फ्रेमवर्क ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, उसके पहले और भी थे। तो पॉइंट इज ये जो प्रोसेस है एक इंटरनेशनल कोलेबोरेटिव एफर्ट है टूवर्ड्स क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज डिजास्टर रिस्क रिजिलियंट, उसके लिए मतलब ये उस इनिशिएटिव के अंदर माना गया कि भाई अगर रीजनल लेवल पे ऐसे कॉन्फ्रेंसेज हों, मिनिस्ट्रियल या अदर कॉन्फ्रेंसेज हों, तो इट वुड बी बेटर, क्योंकि कई बार रीजनल लेवल पे प्रॉब्लम्स भी सिमिलर होती हैं, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेवल भी सिमिलर होता है, तो सिमिलर सॉल्यूशंस भी इमर्ज हो सकते हैं। इसलिए उस फ्रेमवर्क के तहत पहले हयोगा था, फिर सेंडाई फ्रेमवर्क आया, उसके तहत ऐसे रीजनल मतलब ग्रुपिंग्स और मीटिंग्स होती हैं। तो ऐसा 2016 में हुआ था एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। कहा गया है कि उसमें कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने की बात की गई थी और उस दिशा में ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है वो एक अहम कदम है। देखिए डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आप ऑब्वियसली जानते हैं कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है, कोई साइक्लोन हुआ, अर्थक्वेक हुआ या कुछ भी हुआ, तो क्रिटिकल कम्युनिकेशन को रिस्टोर करना बड़ा ज़रूरी होता है, हेल्थ फैसिलिटीज रिस्टोर करना, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन रिस्टोर करना, इंटरनेट को रिस्टोर करना, ताकि जो भी रेस्क्यू रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन मेजर्स हैं उसको क्विकली इंप्लीमेंट किया जा सके, वाटर सप्लाई को मतलब अगर डैमेज हुआ है तो उसे रिन्यू करना। पॉइंट इज इन सब चीज़ों से जो लोगों का पेन है, सफरिंग है, कम होता है। सो क्यों ना ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए जो डिजास्टर को रिजिलियंट हो, कि डिजास्टर भले स्ट्राइक करे उस पर फर्क ना पड़े। तो
तो उस दिशा में ये वर्कशॉप है। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। और तीसरा है, दोनों पहली और दूसरी कार्यशाला भारत में ही आयोजित की गई, जो वर्कशॉप है ये भी सही है। पहली कार्यशाला लास्ट ईयर जनवरी में हुई थी और दूसरी इस साल मार्च में हुई है। तो यहाँ पे आपके तीनों स्टेटमेंट सही हैं। आपका आंसर है ऑप्शन डी। आपको 44 खेलो इंडिया प्रोग्राम को 12 भागों में विभाजित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से उन भागों में शामिल किए गए? आपको पता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स तो बहुत फेमस है, बट हर साल होता है, इस साल भी कुछ टाइम में होने वाला होगा। बट ये एक कंप्लीट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट पैकेज है, प्रोग्राम है, और इसके कई सारे वर्टिकल्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हुआ, यूथ गेम ऑर्गेनाइज करना हुआ, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट ग्रूमिंग हुआ इत्यादि, स्कूल लिंकेज इस्टेब्लिश करना हुआ था। आप स्क्रीन पे एक फिगर देख सकते हैं, उस फिगर में आपको दिखाई देगा कि वर्टिकल्स दिए हुए हैं, 12 भाग दिए हुए हैं, तो आप मैच कर सकते हैं उसमें से। आप खेलो इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको नीचे ये दिखाई देगा। इसमें जो ऑप्शन 3 है, विदेशी संस्थानों के साथ साझेदारी, वो इसमें नहीं है। बाकी सारे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्नयन, वार्षिक खेल प्रतियोगिता, शांति और विकास के लिए खेल का आयोजन, ये सारे इसमें हैं, बस 3 नहीं है। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पे। 45 अंतर्राष्ट्रीय रसायन प्रबंधन के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण, यानी स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू केमिकल, स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल केमिकल मैनेजमेंट के लिए, ये निम्नलिखित संगठनों या संस्थाओं में से किसके तत्वाधान में विकसित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा, स्टॉकहोम सम्मेलन, जो स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के ऊपर है, तीसरा WHO, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको पता है यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि इसको UN एनवायरनमेंट के तत्वाधान में विकसित किया गया है। देखिए, जब हम कहते हैं किसके तत्वाधान में विकसित किया गया है, मतलब ये नहीं है कि ये उसी का कंट्री, उसी का एकमात्र काम है। That body or organization has led the initiative. उन्होंने conferences आयोजित किए होंगे, अलग अलग stakeholder से बात की होगी, उन्हें एक forum पे लाया होगा, multi rounds of negotiations किए होंगे, in short उनकी leadership में हुआ। तो यहाँ पे आपका answer होना चाहिए था UN environment। अच्छा, ये एक ऐसी body है जो ना ही North America में based है और ना ही Europe में, ये based है Nairobi, Kenya में, so it is rather unique about it। इसने दुबई डिक्लेरेशन जुड़ा हुआ है इस स्ट्रेटेजिक अप्रोच से। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल मैनेजमेंट दुबई 2006, उस कॉन्फ्रेंस में से अडॉप्ट किया गया था। पर्पस क्या? आपको पता है कि केमिकल चाहे कितने भी बिनाइन हो, कई बार उनका सोसाइटी पे, ह्यूमन हेल्थ पर, कल्चर पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। जो बहुत ही डेंजरस है वो तो अलग बात है, नॉर्मल केमिकल्स भी। तो उस सेंस में है कि एक लार्जर फ्रेमवर्क डेवलप किया जाए विथ रिस्पेक्ट टू हैंडलिंग दिस। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46, वन विकास एजेंसियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताएं। यह राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक द्विस्तरीय संरचना का हिस्सा है। देखिए, जो नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, आपको पता है कि भारत सरकार का एक लॉन्ग स्टेटेड लॉन्ग टर्म गोल है कि देश की कम से कम एक तिहाई, 1/3 एरिया को पे फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, वेयर एज वी आर फार शॉर्ट ऑफ दैट। तो नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, और भी कई सारे प्रोग्राम हैं, मनरेगा हो गया, वाटरशेड डेवलपमेंट हो गया इत्यादि, जिसके तहत प्लांटेशन, फॉरेस्ट प्लांटेशन एंड फॉरेस्ट इंप्रूवमेंट के कंपोनेंट होते हैं, चलाए जाते हैं, लेकिन ये ऑब्वियसली उसको सेपरेटली डेडिकेटेड है। ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। यूजुअली क्या होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में, कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ आपको 60% देगी, या बॉर्डर एरियाज के केस में 90% देगी, बाकी स्टेट को लगाना है, बट दिस इज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। और इसमें कोई टारगेट नहीं, इसमें कोई पहले से फंड एलोकेट नहीं होता है, ये स्टेट बताता है कि भाई ये हमारा टारगेट है, उसके हिसाब से उनको फंडिंग दी जाती है। तो कहा है कि फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी, ये इस संबंध में निम्नलिखित कथनों, ये राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए द्विस्तरीय संरचना का हिस्सा है। इट इज़ ट्रू, क्योंकि पहले आता है स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी और उसके नीचे आता है FDA,
ये जो FDA है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी, ये फॉरेस्ट डिवीजन के लेवल पे बनता है। को पता होगा कि कहीं अब ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट है, आई होप यू आर अवेयर ऑफ इट, कि स्टेट्स में कैसे इनको बनाया जाता है, कैसे, हाउ इज़ इट मैन्ड बाय हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ऑफ फॉरेस्ट सर्विसेज। और उसके नीचे आता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटी, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटी एट विलेज लेवल, गाँव के स्तर पर। इसमें कौन होते हैं, ग्राम सभा से भी लोग होते हैं और जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होंगे उनके भी मेंबर्स होते हैं। जो FDA है, इट इज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ JFMC। तो ये द्विस्तरीय संरचना का तो हिस्सा है। दूसरा, यह वन प्रभाग स्तर पर सभी संयुक्त एज आई सेड का उसका कॉन्फेडरेशन है, तो ये हो गया। और तीसरा, FDA में महिलाओं का 50% प्रतिनिधित्व अनिवार्य है, दैट इज ऑल्सो ट्रू एंड रादर यूनिक अबाउट इट, बिकॉज एज यू नो दे आर ऑल्सो इक्वल एंड समटाइम्स मोर इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, 46 में आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय हेल्थ पॉलिसी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, और आपको कोट की सहायता से आंसर देना है। पहला, यह पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है, एज यू नो इसके पहले 2002 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी और उसके पहले 1983 में, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, इसका उद्देश्य 2025 तक TB को ख़त्म करना है। देखिए, ये स्टेटमेंट सही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि टारगेट ये है कि भारत में कोई केस नहीं होगा TB का। जैसे कि WHO ने डेफिनेशन दिया है कि TB ख़त्म करने का, या एलिमिनेशन ऑफ TB जो स्टेटस, इसका डेफिनेशन ये है कि अगर 100,000 पॉपुलेशन में एक केस हो तो उसको आप कह सकते हैं कि आपने TB को एलिमिनेट कर दिया है। ये एक टेक्निकल डेफिनेशन WHO ने दिया हुआ है। ये टारगेट और भी कई बीमारियों के लिए इसमें टारगेट लिए गए हैं, एड्स के लिए है, काला आजार के लिए है, फिर उसमें लिम्फेटिक फिलेरिया के लिए है इत्यादि, लेप्रसी के लिए टारगेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, मैटरनल और चाइल्ड मोर्टेलिटी और हेल्थ को रिलेटेड है, लेकिन ये एक TB वाला भी इसमें दिया हुआ है। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो, पहला वाला सही नहीं है। तीसरा, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट, अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह एक करदाता इकाई और सरकार के बीच लेन देन की कुछ श्रेणियों की कीमत की रेंज को तय करने के लिए समझौता है। दूसरा, आमतौर पर APA उन संस्थाओं के बीच लेन देन से संबंधित है जो कानूनी रूप से संबंधित नहीं है। तीसरा, राउंड ट्रिपिंग को रोकने के लिए अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों को विकसित किया गया है। देखिए, मान लीजिए एक MNC है और जिसकी जो होल्डिंग कंपनी है दैट इज बेस्ड आउट ऑफ लेट्स से USA। उसकी ऐसे तो कई सारी सब्सिडियरीज हैं, बट हम सब्सिडियरी S1 और सब्सिडियरी S2 की बात करते हैं। S2 इंडिया में है और S1 आइसलैंड में है। ये काफ़ी लो टैक्सेशन रिजीम है। ये अगर कोई टेक कंपनी है तो अपना ये सर्टेन प्रोप्राइटरी IPR सॉफ्टवेयर यहां आइसलैंड की अपनी सब्सिडियरी को ट्रांसफर कर देता है। क्यों? क्योंकि जो भी इनकम होगा उस पर, जो भी प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स बहुत कम लगेगा। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से जो भी कंपनी कमाएगी उस पर इनकम को, प्रॉफिट को वो दिखाएंगे कि हमने आइसलैंड में अप्रूव हुआ है, तो उस पर कम टैक्स लगेगा। अब इंडिया में उन्होंने सब्सिडियरी खोली, उसे भी इस IPR सॉफ्टवेयर की जरूरत है, तो कई बार क्या होता है वो उसको सेल करते हैं विद इन सबसे अ लार्जर लीगल एंटिटी। एक प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विस को सेल किया जाता है एट अ सर्टेन प्राइस, लेकिन कई बार टैक्स अथॉरिटीज को लगता है कि आपने कुछ ज़्यादा ही महंगा खरीद लिया, कि भाई इस प्रोडक्ट की कीमत 1 करोड़ रुपया होनी चाहिए थी, आपने 5 करोड़ में खरीद लिया। क्यों? उससे क्या होगा कि वो अपना एक्सपेंडिचर ज़्यादा दिखा पाएंगे। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा दिखाएंगे तो स्वाभाविक है प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो जाएगा, इंडिया अगर हाई टैक्सेशन रिजीम है कंपैरेटिवली, तो उनको कम उस पर टैक्स देना होगा।
तो ऐसे इन मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए ये एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो पहला स्टेटमेंट है, ये एक करदाता इकाई और सरकार के बीच लेन देन की कुछ श्रेणियों की कीमत की रेंज को तय करने के लिए समझौता है। ये एडवांस में कर लिया जाता है कि कंपनी कहती है कि हम आने वाले समय में ऐसी एक डील करने वाले हैं विद इन अस, तो उसके लिए दोनों के बीच में अग्रीमेंट होता है। और ये आर्म्स लेंथ मीन्स एक ब्रॉडली न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से किया जाता है कि अगर ये दो आपस में रिलेटेड एंटिटीज़ के बीच में नहीं होता तो कैसे इसका प्राइस दिया जाता है। कि अगर मान लीजिए जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट की सब्सिडियरी गूगल है और यूट्यूब है, तो उन दोनों की जगह अगर उन दोनों के बीच कोई ट्रांजैक्शन हो, वेयर उसकी जगह अगर गूगल और फेसबुक के बीच कोई ट्रांजैक्शन होता तो क्या प्राइस होता, उसके बेसिस पे इसका प्राइस डिसाइड होगा। तो दैट इज़ कॉल्ड एन आर्म्स लेंथ टेक्निक। थोड़ा डिटेल में इसमें मतलब इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ब्रॉडली यही कॉन्सेप्ट है। तो पहला सही है। दूसरा, आमतौर पर APA उन संस्थाओं के बीच लेन देन से संबंधित है जो कानूनी रूप से संबंधित नहीं है। अब आप समझते हैं दैट इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि ये उनके लिए ही है जो लीगली रिलेटेड हैं एक दूसरे से, चाहे एक दूसरे की सब्सिडियरी हो, चाहे दोनों किसी तीसरी कंपनी की सब्सिडियरी हो। तीसरा, राउंड ट्रिपिंग को रोकने के लिए अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों को विकसित किया गया है। नहीं, राउंड ट्रिपिंग एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। कई बार क्या होता है कि भारतीय व्यक्ति या भारतीय कंपनियां किसी विदेश में, चाहे मॉरिशियस हो, वहां इन्वेस्ट करती हैं और वहां से वो पैसा FDI बता के भारत वापस लाती हैं। दैट इज़ कॉल्ड राउंड ट्रिपिंग या ट्रीटी शॉपिंग भी कहा जाता है जिसे। तो यहां पे आपका आंसर होगा केवल एक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 49। हमने अक्सर म्यूचुअल फंड के विज्ञापनों के दौरान निम्नलिखित स्पष्टीकरण सुना है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बाजार के जोखिमों के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले ध्यान से दस्तावेज पढ़ें। ये अंतर्निहित बाजार जोखिम क्या हो सकते हैं? आपको पता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड दो प्रकार के, उसमें वो लोगों से पैसा इकट्ठा करके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ हैं जो डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, कुछ हाइब्रिड होते हैं, तो कुछ होते हैं जो NBFCs के जो डिबेंचर्स हुए या कॉमर्शियल पेपर्स हुए उनको परचेस करते हैं। सो दे इन्वेस्ट इन अ वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। पहला है, अंतर्निहित वित्तीय उत्पादों का प्रदर्शन म्यूचुअल फंड इकाइयों के मूल्य को प्रभावित कर सकता है। अब आप जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आप उसके यूनिट्स खरीदते हैं और उन यूनिट की वैल्यू डिपेंड करती है कि उस म्यूचुअल फंड ने किन एसेट्स में या किन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया है, जिसे अंडरलाइंग एसेट कहते हैं। तब मान लीजिए उन्होंने किसी म्यूचुअल फंड वालों ने खास करके बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट किया हो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इन्वेस्ट किया हो, लेकिन NPA बहुत ज़्यादा है, क्वार्टरली रिजल्ट आया और पता चला कि बैंकों का NPA और बढ़ गया है, तो उन बैंकों के शेयर्स की मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगी और कंसिक्वेंटली उस NBFC के उस म्यूचुअल फंड के यूनिट वैल्यू की भी कीमत डाउन हो जाएगी, क्योंकि उसने बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, बैंकिंग सेक्टर में उसका ज़्यादा एक्सपोजर है। तो ये एक रिस्क होता है। दूसरा, द्वितीयक बाजार में परंपरागत म्यूचुअल फंड इकाइयों की मांग बदलती रहती है, जिसका अर्थ है कि म्यूचुअल फंड इकाई की कीमत में उतार चढ़ाव होता रहता है। देखिए, कोई भी अगर ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो उसका डिमांड ऊपर नीचे ज़्यादा रहेगा डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशंस, इसलिए ये भी एक रिस्क तो रहता है। दूसरा, एक म्यूचुअल फंड जारी करने वाली संस्था एक सामान्य बैंक की तुलना में अधिक बाजार जोखिम का सामना करती है। ऑब्वियसली एज आई डिस्कस्ड कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट किया है और उस सेक्टर में स्ट्रेस आ गया, या आपका किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की तरफ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, हाल में वो ILNFS का इशू हुआ, पता चला बाद में कि उसकी वजह से NBFC सेक्टर में क्राइसिस आ गया और जिन म्यूचुअल फंड्स ने NBFC में ज़्यादा इन्वेस्ट किया था उनको उसे दिक्कत आ गई, तो इन जनरल दे हैव मोर इनहेरेंट रिस्क कंपेयर टू द बैंक्स। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपको सी को लेकर डाउट हो और आप ये कहें कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है, वहाँ पे तो उल्टा है, बट अगर आप ऑप्शन में एलिमिनेट करने की भी कोशिश करेंगे तो एक और दो तो दोनों सही है, ए और बी, तो आप लेकिन दोनों तो कर नहीं सकते, तो आपको ऑप्शन डी की तरफ वैसे भी टिल्ट होना ही था। क्वेश्चन नंबर 50, राइट ऑफरिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसमें से सत्य कथन को चुनें। पहला, ये एक द्वितीय बाजार साधन है। पहली बात तो राइट्स ऑफरिंग है क्या?
देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कंपनी है, उसे और पैसा रेस करना है बट विदाउट इनकरिंग डेट, तो वो इक्विटी इशू करेगी, अगर बॉन्ड्स इशू करेगी तो डेट का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन इट ऑल्सो डज नॉट वॉन्ट टू डायल्यूट इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न, कि अगर भाई 10 लोगों ने मान लीजिए 10-10% इसमें शेयर लिया हुआ है, तो वो नहीं चाहते कि 11वां बस इंसान आए, वो चाहते हैं कि इन्हीं 10 के पास ओनरशिप रहे, लेकिन हमें और पैसा भी चाहिए, तो वो कहते हैं कि इन्हीं 10 को राइट्स देते हैं, राइट्स बट नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप चाहें तो इस दिन तक इस कीमत पे इतना शेयर ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपने बिना उधार ये डेट आपने डेट नहीं लिया, इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज नॉट डेट, तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट की झंझट नहीं है, और आपने और कैपिटल भी अर्न किया, तब आप अपने फ्यूचर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स पे खर्च कर सकते हैं, और आपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी चेंज नहीं किया, तो दैट इज कॉल्ड राइट्स इशू। पहला है ये एक द्वितीय बाजार साधन है। देखिए अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पहली बार इशू किया गया है तो इट इज इन प्राइमरी मार्केट। राइट्स इशू में जो शेयर दिए जाते हैं वो जनरेट हुए हैं अभी, वो मार्केट से खरीद के नहीं दिए गए वापस, तो वो प्राइमरी मार्केट का होगा। दूसरा, यह कंपनी के मौजूदा शेयर धारकों को कंपनी में अतिरिक्त शेयर खरीदने के लिए अधिकार देता है लेकिन जिम्मेदारी नहीं। जो राइट्स वर्ड है दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि कहते हैं कि ठीक है अगर 10 में से 5 ही लोग अग्री करते हैं खरीदने के लिए तो 5 ही लेंगे, सबको लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा, राइट्स ऑफरिंग में शेयर आमतौर पर छूट पर दिए जाते हैं, ऑब्वियसली अगर आप डिस्काउंट पे नहीं देंगे तो वो इसी का क्यों लेंगे, वो किसी और का भी ले सकते हैं, तो टू मेक इट मोर लुक्रेटिव इट इज गिवन एट अ डिस्काउंट। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3, एक गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 51, BRAC-8 मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यह सतह से हवा में मार करने वाली छोटी दूरी की मिसाइल है। देखिए जो BRAC-1 था वो छोटी दूरी का था, इसे कहते हैं ये लॉन्ग रेंज SAM कहते हैं इसे, SAM मीन्स सरफेस टू एयर मिसाइल्स। लेकिन ये जो है LRSAM है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये शॉर्ट रेंज नहीं है। तो पहला गलत हो गया यह। दूसरा, यह मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों से बचाव के लिए बनाया गया है। ऑब्वियसली अगर ये सरफेस टू एयर मिसाइल है तो एयर में मिसाइल मच्छर मारने के लिए नहीं है, दे हैव टू हिट अ थ्रेट। वो थ्रेट क्या हो सकता है, फाइटर एयरक्राफ्ट हो सकता है, ड्रोन हो सकता है, इनकमिंग बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल हो सकता है इत्यादि। तो ये मोस्टली एयर डिफेंस के लिए काम आता है, अगर कोई नेवी का शिप है तो उसके एयर डिफेंस के लिए इसका इस्तेमाल होगा। ग्राउंड बेस इवन इसका इस्तेमाल ग्राउंड बेस डिफेंस सिस्टम के लिए नहीं होगा, बिकॉज दे आर मोर इलेबोरेट एंड दे आर मल्टी लेयर्ड कंटेंट। तो ये मोस्टली नेवी में नेवल शिप्स के डिफेंस के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो दूसरा सही है। तीसरा, इसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा तैयार किया गया है, ऑब्वियसली इसमें इंडिया, इजराइल और दासो, ये 3 बॉडी हैं मिलके बना रहे हैं, तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन लोकतंत्र सूचकांक जारी करता है। आपका आंसर यहाँ पे है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। अगर सिर्फ द इकोनॉमिस्ट लिखा होता तो भी यू कैन सेफली मार्क यस, क्योंकि ये उसी की मतलब जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसी का ही सब्सिडियरी तरीके से है। देखिए आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जाके इसको उसके बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करें, क्योंकि इसमें क्या है बहुत ही यूनिक तरीके से इंडेक्स बनाया गया है, कंट्रीज़ को कैटेगराइज किया है, रफली 167 कंट्रीज़ को इसने कैटेगराइज किया है। कैटेगरीज़ कैसी हैं, फुल डेमोक्रेसी पहली कैटेगरी है आपके मार्क्स के बेसिस पे, जैसे कि कैनेडा को एक फुल डेमोक्रेसी बताया गया है। फिर आता है फ्लॉड डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र तो है लेकिन इनमें कुछ कमियां हैं। बोथ इंडिया एंड USA इस ग्रुप में आती हैं, USA के मार्क्स ज़्यादा हैं इंडिया से, स्टिल वो हैं इसी ग्रुप में। फिर आते हैं हाइब्रिड रिजीम्स, पाकिस्तान को हाइब्रिड रिजीम माना गया है। और फिर आते हैं अथॉरिटेरियन, जैसे कि चाइना, सऊदी अरेबिया एट्सेट्रा। 4-5 अलग अलग इंडिकेटर हैं और उसके एवरेज स्कोर की मदद से ये इनका मार्क्स डिसाइड होता है एंड देन दे आर रैंक अकॉर्डिंगली। देखिए ऐसे तो प्रीलिम्स में इतना डीप में नहीं पूछेंगे, बट जब आप ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपको ऐसे में या कहीं और एक आर्ग्यूमेंट लिखने का मौका मिलता है, कि अगर डेमोक्रेसी के इवोल्यूशन पे आ जाता है कोई टॉपिक
और आप उस पर लिखना चाहते हैं, तो आप इस इंडेक्स को साइट कर सकते हैं, उसके पैरामीटर्स को साइट कर सकते हैं। हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इतना इंपॉर्टेंस सिर्फ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से नहीं देते, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ऐसे कई सारे रिपोर्ट हैं कि वो जो आर्ग्यूमेंट होता है उनका, चीज़ों को देखने का नज़रिया होता है, दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर राइटिंग आंसर्स ऑल्सो। तो आपका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53, reweave.in क्या है? तो ये आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, केवल हथकरघा के लिए ई बाजार है। दरअसल ये माइक्रोसॉफ्ट इंडिया पर्टिकुलरली, इसका एक फिलेंथ्रोपी वर्क है, ये एनजीओ है, एक भारती चैतन्य भारती उनके साथ पार्टनरशिप में उन्होंने लॉन्च किया है। एक तरीके से आप इसको अमेजोन समझ सकते हैं, ई मार्केट प्लेस, बट सिर्फ हैंडीक्राफ्ट के लिए, सिर्फ इन्होंने हथकरघा के लिए है ई बाजार, बाकी किसी के लिए नहीं है। क्या होगा मतलब ई मार्केट प्लेस क्या होता है? इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर बायर्स एंड सेलर्स टू कम टुगेदर। इसमें जो प्लेटफॉर्म होता है उसके गुड्स और सर्विसेज नहीं होते हैं, उन्होंने बस दुकान एक जगह दी है कि आप इंटरेक्ट कीजिए एंड अपना ट्रांजेक्शन कीजिए। तो इस आप इसकी वेबसाइट पे जाइएगा, reweave.in टाइप करेंगे तो वेबसाइट पे जाइएगा, और ऊपर आवर स्टोरी ऐसे लिखा होगा कॉर्नर में। ये ऐसे आवर स्टोरी करके कॉर्नर में होगा, उसको ओपन करके पढ़िएगा, इट्स वेरी गुड, वेरी वेल रिटन। तो आपका आंसर है यहाँ पे बी, केवल हथकरघा के लिए ई बाजार। क्वेश्चन नंबर 54, स्विस चैलेंज शब्द प्रायः खबरों में रहा है, आप इस शब्द की उम्मीद निम्नलिखित में से किस संदर्भ में कर सकते हैं? देखिए, कुछ समय पहले भारत सरकार ने अनाउंस किया था कि भारत में सर्टेन नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए स्विस चैलेंज मेथड अपनाया जाएगा। बेसिकली ये दो कॉन्टेक्स्ट में होता है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट यानी कि गवर्नमेंट जो अपने काम के लिए प्रोक्योरमेंट करती है प्रोविजंस का, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्या होता है कि एक बार गवर्नमेंट ने इंटेंट अनाउंस कर दिया कि हम इस सेक्टर में बिड्स मंगाना चाहते हैं। अब जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा था कि हम मान लीजिए 100 रेलवे स्टेशन को स्विस चैलेंज मेथड से अपग्रेड करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने लिस्ट नहीं दिया कि हम इसी को करना, इस स्टेशन को करेंगे, इस स्टेशन को करेंगे, नहीं, कोई ऐसा इंडिकेटिव लिस्ट नहीं था, कोई प्रोजेक्ट पैरामीटर्स नहीं थे। कंपनीज अपनी तरफ से अनसॉलिसिटेड बिड देती हैं कि हम इस इतने इतने स्टेशन को ऐसे ऐसे इतनी समयावधि में इतने खर्च पे इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इनका अपग्रेडेशन करेंगे। अब प्रपोजल आ गया, पहला वाला बिन मांगे प्रपोजल आया है, गवर्नमेंट ने सिर्फ इंटेंट कहा था कि सिर्फ इंटेंट दिखाया था और कुछ नहीं कहा था, बिन मांगे प्रपोजल आया, बाद में गवर्नमेंट ने उसको पब्लिक किया और काउंटर बिडिंग की कि क्या कोई इससे बेहतर प्रपोजल दे सकता है। अगर कोई बेहतर प्रपोजल नहीं आया तो ऑटोमेटिक ओरिजिनल बिडर को कॉन्ट्रैक्ट चला गया, और अगर आ गया तो उसको राइट ऑफ रिफ्यूजल है कि जिन टर्म्स पे वो नई बिड आई है उस टर्म्स को वो मैच करे और अभी भी कॉन्ट्रैक्ट वो ले जा सकता है। अगर नहीं मानता कि नहीं मैं इन शर्तों पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना चाहता तो वो चला जाएगा, जो नया बिडर होगा जिसका जिसका ऑफर सबसे बेहतर होगा उसको मिल जाएगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी और पब्लिक प्रोक्योरमेंट में भी काम आता है। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अब देखिए, स्विट्जरलैंड था तो कालाधन लिख दिया, बट यहाँ पे उसका कोई रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से नाबार्ड के तहत निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कोष स्थापित किए गए हैं? देखिए, 5 कोष दिए गए हैं, दीर्घकालीन सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई, डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखिए, जो भी फंड्स होते हैं, फंड्स में एक चीज़ कॉमन होती है कि जो कोर कैपिटल इनिशियल कैपिटल होता है उसकी सहायता से मार्केट बोरोइंग की जाती है। दैट मीन्स कि आप गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कोर कैपिटल दिया जाएगा नाबार्ड को, नाबार्ड उस कोर कैपिटल की सहायता से मार्केट में जाएगी, कहेगी कि देखो हमारे पास एक बिजनेस प्लान है, आप इन्वेस्ट कीजिए, एंड नाबार्ड बॉन्ड इशू करेगी। ऑब्वियसली बॉन्ड है, मीन्स इट्स अ डेट, मैच्योरिटी, इंटरेस्ट रेट इत्यादि, और वो और ज़्यादा फंड इकट्ठा करके एक पर्टिकुलर सेगमेंट में इन्वेस्ट करेगी। जैसे कि अगर लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड है जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर था, तो ये बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट जो रुके हुए हैं उन्हें फास्ट ट्रैक करने के लिए उनमें इन्वेस्ट करेगी।
तो आपका आंसर है उपरोक्त सभी, ये सभी में नाबार्ड इन्वॉल्व है। लेकिन थोड़ा फर्क आपको, जैसे कि ये है जो दीर्घकालीन सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई है, ये पूरी तरीके से नाबार्ड के अंदर है। लेकिन ये जो फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोर्थ एंड फिफ्थ है, इसमें नाबार्ड इज वन अमंग अदर लोनिंग एंटिटीज, वर्ड है कि नोडल लोनिंग एंटिटीज NLE, वर्ड है नोडल लोनिंग एंटिटीज। तो यहां पे ये फोर्थ और फिफ्थ के कॉन्टेक्स्ट में नाबार्ड, फिर नेशनल कोऑपरेशन फॉर डेली ये नेशनल कोऑपरेशन, नेशनल कोऑपरेशन फॉर डेयरी डेवलपमेंट, ये सब भी हैं इसके साथ में हैं। तो आंसर में ऑल फाइव आएगा, बट फोर एंड फिफ्थ में नाबार्ड अकेला नहीं है, कॉमर्शियल बैंक्स भी हैं, नाबार्ड भी हैं, एंड नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बोर्ड जो एक और बॉडी है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बोर्ड, ये नाबार्ड एंड सम बैंक्स, ये सारे इसमें नेशनल लोनिंग एंटिटीज हैं। लेकिन फंड में तो इनका भी ये भी हैं। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनें। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन ब्रह्मांड की उत्पत्ति के अन्वेषण में सहायक है और इवेंट होराइजन ब्लैक होल से संबंधित है। देखिए, हाल ही में आपको, आपने न्यूज़ में देखा होगा, न्यूज़ में आया था, बहुत सर्कुलेट हुआ कि ब्लैक होल का फर्स्ट ब्लैक होल का इमेज पब्लिश हुआ, तो उस कॉन्टेक्स में ये इवेंट होराइजन वर्ड आया था। बेसिकली इट्स अ पॉइंट बियॉन्ड विच ब्लैक होल का ग्रेविटेशन इतना इंटेंस हो जाता है कि नथिंग एस्केप्स इट, नॉट इवन लाइट। तो अगर लाइट एस्केप नहीं कर पाएगी तो उसके आगे की चीज़ों की आप पिक्चर ले ही नहीं सकते। तो वो जो लाइन है उसे जो इवेंट होराइजन कहा जाता है कि बियॉन्ड विच नथिंग कैन कम आउट ऑफ ब्लैक होल। तो दूसरा सही है, जो पहला है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। एक एक करके देखें तो कॉस्मिक मींस इट इज रिलेटेड टू सेलेस्टियल बॉडीज, जो अंतरिक्ष है उससे जुड़ा हुआ ये। माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, देखिए दो टाइप के टेलीस्कोप होते हैं, एक होता है ऑप्टिकल टेलीस्कोप, एक होता है रेडियो टेलीस्कोप। रेडियो टेलीस्कोप में बड़े बड़े एंटीनाज होते हैं, बिकॉज जो कॉस्मिक रेडियो रेडिएशन, ये रेडिएशन है जो वो हम तक आने तक बहुत फीबल हो गया होता है, इसलिए वी नीड लार्ज टेलीस्कोप्स। ऑप्टिकल टेलीस्कोप से क्या होता है कि जब आप देखते हैं तो आपको दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में पिच डार्क, अंधकार दिखाई देता है, लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं, बट इट्स फिल्ड विथ रेडिएशन। सम ऑफ द रेडिएशन इज एज ओल्ड एज द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। लेकिन जब आप रेडियो टेलीस्कोप से सुनते हैं जो उसका आउटपुट होता है, उस आउटपुट में ऐसे कई सारे रेडिएशंस होते हैं, ऐसे कई सारे आउटपुट होते हैं जो किसी सेलेस्टियल बॉडी से जुड़े हुए नहीं है, बट वो कंसिस्टेंटली आपको, और खास करके माइक्रोवेव रेडिएशन, उसमें जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम का पार्ट है, रेडियो फ्रीक्वेंसी में जो माइक्रोवेव वाला पार्ट है, उस पार्ट में वो काफ़ी कंसिस्टेंटली वो रेडिएशन पकड़ में आता है रेडियो टेलीस्कोप से। इसलिए इसको कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। बैकग्राउंड इन द सेंस कि जो नॉर्मल सेलेस्टियल बॉडीज से आने वाला रेडिएशन है उसके बैकग्राउंड में लगता है कि वो तो है, लेकिन उसके अलावा और भी एक रेडिएशन है जो सर्ट खास करके माइक्रोवेव रीजन में पकड़ में आता है। तो आपका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनें। पहला, इटर्नल ब्लू हाल ही में तैनात किया गया एक मिनी सेटेलाइट है। दरअसल इटर्नल ब्लू यूनाइटेड स्टेट्स की NSA नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, उसके द्वारा डेवलप किया गया एक, आप इसको एक साइबर वेपन मान सकते हैं, साइबर, ये साइबर वॉरफेयर का डेवलप किया गया था। लेकिन क्या हुआ कि 2017 में इसे लीक कर दिया कुछ हैकर्स ने, और उसी साल इसकी सहायता से एक WannaCry रैंसमवेयर अटैक हुआ था, और NotPetya करके दो अलग अलग साइबर अटैक्स हुए थे अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उसमें इटर्नल ब्लू का इस्तेमाल किया गया था जो ओरिजिनली NSA ने डेवलप किया था। दूसरा, बेल टू एक्सपेरिमेंट कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित है। दरअसल ये जो बीटा मैसोन, जो एक फंडामेंटल पार्टिकल है, उसके उससे जुड़ा हुआ एक्सपेरिमेंट है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ नहीं है। तीसरा, स्टंक्सनेट साइबर युद्ध से संबंधित है। देखिए, ये जो स्टंक्सनेट है, इसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत डैमेज किया था, और कहा जाता है कि इसको रिलीज, डेवलप करने में और रिलीज करने में अमेरिकन एंड इजराइल एजेंसी एंड इजरायली एजेंसीज का हाथ था। तो इट वॉज अ वे ऑफ साइबर वॉरफेयर, ये
इसके बारे में काफ़ी रोचक कहानी है, आपको थोड़ा डिटेल में देखना चाहिए। स्टक्सनेट कहा जाता है इसे, STUXNET। तो साइबर युद्ध से संबंधित है ऑब्वियसली, ये वाला सही हो गया। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, केवल 3। क्वेश्चन 58, सैंडबॉक्सिंग शब्द जो प्रायः समाचारों में होता है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अगेन सैंडबॉक्सिंग है, थोड़ा कंफ्यूजिंग कर सकता है, लेकिन अब तक आप समझ गए हैं कि सैंड है तो ऑप्शन ए नहीं होना चाहिए, कि मरुस्थल तो नहीं होगा, ये बस एक कैच, ये बस फंसाने के लिए है। आपका यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी, साइबर सुरक्षा। दरअसल ये खास करके जो कॉरपोरेशंस वगैरह होती हैं वो खास करके ध्यान रखती हैं इस बात का कि अगर कोई एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, या कोई इंडिविजुअल भी कर ही सकता है, कोई हाई एंड यूज़र हो तो वो कर सकता है, कोई एप्लीकेशन लॉन्च किया, इंस्टॉल किया है, तो उसको सैंडबॉक्स कर दे, मीन्स उसको एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री दे कि उसको वो जिस सैंडबॉक्स में है उसके अंदर उसे जितना मेमोरी स्पेस डेटा रिट्रीवल जी डेटा एक्सेस दिया गया है वो उतने से ही काम चलाए, उसे जो कोर एप्लीकेशन हैं उन हार्डवेयर्स हैं उससे उसके तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी जाती, और जब भी वो चाहता है तो उसे यूज़र से अनुमति मांगनी पड़ती है। जैसे कि हमें एडमिनिस्ट्रेटर से अनुमति कहता है कि आपको पर्टिकुलर, हम आपने लैपटॉप पे नोटिस किया होगा कि कोई पर्टिकुलर फाइल खोलने के लिए या किसी फाइल को डिलीट करने के लिए लिख के आता है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर से परमिशन की ज़रूरत है, वो खुद आप खुद ही होते हैं, बट दैट इज़ इन अ वे सैंडबॉक्सिंग, बट इसके कुछ डाउनफॉल भी, साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन डी, साइबर सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में चीन दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने चंद्रमा के दूसरे भाग की रोबोट प्रोब के माध्यम से जांच की, उस रोबोट प्रोब का नाम क्या है? पहला चांग E4, बाइडू, गोफन ए एंड टेंसेट। देखिए इसका आंसर है चांग E4। ये हम आप जानते हैं कि अर्थ से हमको सिर्फ चांद का 59% दिखाई देता है, एंड द रेस्ट ऑफ इट इज़ कम्प्लीटली यू नो अवे फ्रॉम अस, हम उसको कभी देख नहीं पाते हैं, वो उसके सर्टेन एस्ट्रोनॉमिकल रीजंस हैं एज यू नो ऑलरेडी। तो ऑब्वियसली अगर वो दिख हमेशा अंधकारमय है, हमको दिखाई नहीं देता है, उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानते भी नहीं है। तो हाल ही में चीन इट बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड अ रोबोटिक प्रोब, उस प्रोब ने उसका रिसर्च भी किया वहाँ पे। आपको उसका नाम पूछा है, नाम है उसका चांग E4। जो बाइडू है ये चाइनीज GPS है, जैसे कि हमारा हमने भी अपना लॉन्च किया है, वैसे गोफेन है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है। देखिए GPS अमेरिकन है, जो यूरोपियन है उसे गैलीलियो सिस्टम कहते हैं, और जो रशियन है उसका भी एक अपना नाम है, चाइनीज़ को बेडू कहते हैं चाइनीज़ ने, और उनका भी सिस्टम है वो भी अक्रॉस द ग्लोब, हमारा जो है लिमिटेड है साउथ एशिया और उसके आसपास के एरियाज का, बट दो इवन जो चाइना वाला है वो अक्रॉस द ग्लोब सर्विसेज कैन ही कैन प्रोवाइड इट। जो गोफेन है ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है, और जो टेंसेट है ये भी एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है, बट ये खास करके CO2 लेवल मॉनिटर करने के लिए काम आता है, और ये सारे के सारे चाइनीज़ हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60, कावेरी इंजन जो प्रायः समाचारों में रहता है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए ऐसा जब तेजस LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो माना जाता था कि उसमें इंडिजिनस कावेरी इंजन लगेगा, हालांकि दोनों प्रोजेक्ट पैरेलल में नहीं चल पाए, तेजस तो बहुत डिले हुआ लेकिन कावेरी बहुत ज़्यादा डिले हुआ, इसलिए तेजस में अभी जो है जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन लगता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि होपफुली जो उसके आगे के वेरिएंट्स आएंगे Mk2 और इत्यादि उसमें कावेरी इंजन शायद लगाया जा सकेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन बी, लड़ाकू विमान से है ये। क्वेश्चन 61, Hayabusa 2 अंतरिक्ष मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। Hayabusa ये काफ़ी पॉपुलर बाइक थी कुछ समय पहले। पहला ये, लेकिन इस बाइक के बारे में नहीं पूछा गया यहाँ पे। पहला यह जापानी स्पेस एजेंसी से संबंधित है, विच इज़ ट्रू, अब उसमें फैक्चुअल है, आइदर यू नो और यू डोंट नो। दूसरा यह हमारे सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों के विकास को बेहतर ढंग से समझने के लिए क्षुद्र ग्रहों यानी कि एस्ट्रॉइड्स के अध्ययन के बारे में है, मतलब ये क्षुद्र ग्रहों और एस्ट्रॉइड्स का स्टडी करके उनके स्ट्रक्चर और कंपोजिशन का स्टडी करके जो इनर प्लैनेट्स हैं यानी कि बिटवीन अर्थ एंड सन इंक्लूडिंग अर्थ, तो क्या हो गया आपका वीनस, मर्क्यूरी, अर्थ और सॉरी इसमें मार्स भी आएगा इनर प्लैनेट्स में, तो ये आपके 4 इनर प्लैनेट हैं, तो इनके इवोल्यूशन को समझने के लिए ये एस्टेरॉयड्स की स्टडी करती हैं। तो एक्चुअली इसका काम क्या था, ये एक तरीके का ये इनका पर्पज़ ये है
कि ये उस एस्ट्रॉयड पे लैंड करेंगे, सैंपल्स कलेक्ट करेंगे एंड इट विल कम बैक. इस साल के फरवरी में इट हैज़ ऑलरेडी डन सो कि उसने सैंपल कलेक्ट कर लिया है और 2020 में इट इज़ सपोज टू कम बैक टू अर्थ. लेकिन इसने यूनिक क्या किया कि कुछ दिनों पहले इसने मतलब एक एस्टेरॉयड में एक आर्टिफिशियल क्रेटर क्रिएट किया, मतलब एक सो कॉल्ड मेटल बुलेट फायर करके उस पर एक 10 मीटर डायमीटर का एक इम्पैक्ट क्रिएट किया, क्रेटर क्रिएट किया और उसको स्टडी किया, विच इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड. ये पहली बार हुआ है कि किसी एस्टेरॉयड पे एक आर्टिफिशियल क्रेटर क्रिएट किया गया हो बाय ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट. तो ये इसकी खासियत है. तो यहाँ पे आपको लेकिन कहा है कि उपयोग कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, ना तो पहला असत्य है और ना ही दूसरा. तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी. ये जापानीज स्पेस एजेंसी का भी है और इसका काम भी है कि एस्टेरॉयड्स का स्टडी करना. ये सैंपल कलेक्शन करने के लिए गया हुआ था कि वहाँ से लैंड करेगा, सैंपल कलेक्ट करेगा एंड वुड कम बैक. हालांकि इट हैज़ डन दिस एडिशनल थिंग कि वो एक आर्टिफिशियल क्रेटर क्रिएट किया है उन्होंने. क्वेश्चन नंबर 62, भाभा कवच जो हाल ही में खबरों में था, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है. देखिए, जब भी आप पढ़ते हैं कि हाल ही में खबरों में था, लगता है कि यार मैंने तो नहीं पढ़ी वो खबर. लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर सबने बहुत ही वाइडली पॉपुलर हुआ हो तो ही उसको प्रिंट किया जाए. इफ़ एग्जामिनर सीज इट एनीवेयर, वो कन्वीनियंटली लिख सकते हैं कि हाल ही में खबरों में था. निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है. तो आपका आंसर होगा इन्फेंट्री, क्योंकि जो भाभा कवच है ये एक बुलेट प्रूफ वेस्ट है जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने डेवलप किया है. तो ऑब्वियसली बुलेट प्रूफ वेस्ट तो इन्फेंट्री सैनिक के सैनिक ही पहनेंगे. टैंक को नहीं पहनाया जाएगा. वायु रक्षा के लिए तो मिसाइल शील्ड होती हैं. साइबर सुरक्षा के लिए भी, अभी हमने सैंड बॉक्सिंग की बात की, उसके पहले हमने साइबर हाइजीन की बात की, दैट इज़ ऑल्सो सेपरेट. तो आपका आंसर है ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 63, जैव परस्पर क्रिया के संबंध में यानी कि बायोटिक इंटरेक्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. इसमें कहा है कि शिकारी प्रजाति के जीवों की व्यक्तिगत स्तर पर क्षति अवश्य होती है, लेकिन इससे प्रजातियों को समग्र रूप से लाभ होता है. जो पहला है कि शिकार वाला जो बायोटिक इंटरेक्शन है, उसमें कहा है कि भाई जिसका शिकार हुआ, मान लीजिए अगर शेर ने हिरण का शिकार किया, तो हिरण का व्यक्तिगत स्तर पर तो नुकसान हुआ, लेकिन हिरण की जो प्रजाति है उसे लाभ हुआ. कैसे? देखिए, ये थोड़ा शायद सुनने में फिलोसॉफिकल लगे कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. होता क्या है कि जो सिद्धांत है रैंडम इवोल्यूशन का, उसमें कहा गया है कि रैंडम म्यूटेशन होते हैं. जब भी एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है तो जो डीएनए और ईच टाइम जो हमारे जो ये डीएनए रिप्लिकेट होते हैं, सर्टेन उसमें रैंडम ट्रेट्स डेवलप होते हैं. एंड आउट ऑफ दोज रैंडम ट्रेट्स जो सर्वाइव करता है अगेन एंड अगेन, वो इवेंचुअली एक न्यू लाइन ऑफ इवोल्यूशन बन जाता है. तो अगर किसी शेर ने शिकार पे हिरण के झुंड के पीछे गया और 10 में से उसने एक हिरण मार दिया, मींस बचे हुए 9 हिरण जो थे वो उस एक से तेज दौड़ने वाले थे, वो तेजी से दौड़ सकते थे. सिमिलरली वही बचेगा जो तेजी से दौड़ सकता है, उसका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा चांसेस आर वो भी तेजी से दौड़ पाएगा. ऐसे ही इफ दिस हैपन्स फॉर सेंचुरीज एंड सेंचुरीज, देन इट इज़ पॉसिबल कि एक समय आएगा कि वही हिरण बचेंगे जो इतने तेज हैं कि शेर उनको पकड़ ही नहीं सकता. ये तो खैर चीज़ों को मैंने ओवर सिंप्लीफाई कर दिया समझाने के लिए, बट यूजुअली इट हैपन्स कि और एक इसको ऐसे भी देखिए कि अगर किसी इंडिविजुअल का शिकार हो गया तो बाकी उस स्पीशी के बाकी पॉपुलेशन के लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए, अदरवाइज जो रिसोर्सेज वो कंज्यूम करता वो बाकी के लिए अवेलेबल हो गया. सो अलोंग दीज लाइंस आप कह सकते हैं कि भाई प्रिडेशन में जो शिकार होता है इंडिविजुअल, उसको तो नुकसान है लेकिन ओवरऑल स्पीशी को फायदा ही है इससे. दूसरा, परिजीविता कभी कभी जैव विविधता को बढ़ावा देती है. पैराजाइटिज्म जो है, इसमें जो एक पैराजाइट होता है वो होस्ट पे डिपेंड करता है न्यूट्रिशन के लिए और बदले में वो होस्ट को कमज़ोर कर देता है, धीरे धीरे उसको कमज़ोर करता रहता है.
कहा गया ये कई बार जैव विविधता को बढ़ावा देता है, क्योंकि ऑफ्टन हम देखते हैं कि अगर कोई इकोसिस्टम का कम्युनिटी है उसमें जो डोमिनेंट स्पीशी होगा वो होस्ट होता है कई बार किसी और पैराजाइट के लिए। वो पैराजाइट अपना न्यूट्रिशन तो लेता है और साथ में उस होस्ट को कमज़ोर भी करता है जो उस इकोसिस्टम में डोमिनेंट है। अगर उसको कमज़ोर नहीं करेगा तो वो बाकी स्पीशीज़ के लिए सर्वाइवल का इशू खड़ा कर देगा। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के जो ग्रासलैंड्स होते हैं वहाँ पे कुछ सर्टेन ग्रासेस होती हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, इतनी तेज़ी से कि वो जो बाकी स्पीशीज़ हैं फ्लावर प्लांट्स एंड ट्रीज हैं उनके लिए रिसोर्सेज ना, इंटेंस रिसोर्स कंपटीशन होता है उसका बाकियों के साथ। लेकिन उसके रूट्स पे एक येलो रैटल नाम का प्लांट होता है वो डेवलप होता है एज अ पैराजाइट, तो वो क्या करता है उन ग्रास स्पीशीज़ को कमज़ोर कर देता है जिससे कि वो बाकी स्पीशीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो आपका यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर एक और दो दोनों सही है। आपको यहाँ पे कहना था असत्य कौन सा है, तो ना तो सुनने में दोनों काउंटर इंट्यूटिव लगते हैं लेकिन दरअसल दोनों सही हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक असत्य है और ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 64, ट्रैफिक वाइल्ड लाइफ ट्रैफिक मॉनिटरिंग नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन चुनें। पहला, यह IUCN और UN इन्वायरमेंट का एक संयुक्त संरक्षण प्रोग्राम है। देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को शॉर्ट में UN इन्वायरमेंट भी कहा जाता है। अभी हमने बात की कि ये नैरोबी केन्या में बेस्ड है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये WWF रेसलिंग वाला नहीं, वर्ल्ड वाइड फंड और IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इनका साझा कार्यक्रम है। दूसरा, यह वन्य संपत्तियों और वन्य वनस्पतियों और जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन लागू करने का कार्य करती है, जो साइट्स है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, उसको लागू करने का प्रयास करती है। ऑब्वियसली ट्रेड इसमें भी ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश है और यहाँ तो नाम से पता चलता है कि वाइल्ड लाइफ ट्रैफिक मॉनिटरिंग नेटवर्क है, तो काफ़ी सिमिलर काम लग रहा है दोनों का, तो ऑप्शन दो सही है। क्वेश्चन नंबर 3, यह नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुख्यालय से ही संचालित होता है, ये गलत है क्योंकि इसका जो मेन ऑफिस है वो कैम्ब्रिज UK में आया हुआ है, तो आपका आंसर है ऑप्शन बी। देखिए होपफुली ये ना पूछे, आई होप कि UPSC एग्जाम में ना पूछे कि इसका मुख्यालय वगैरह कहाँ है क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो जाएगा। स्टिल वी आर एंटिसिपेटिंग कि अगर पूछ भी देता है तो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, इसलिए इट्स बेटर कि आप जो एटलीस्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके बारे में जान लें कि वेयर दे आर बेस्ड आउट ऑफ, जो UN की मेन एजेंसीज हैं, जो उसकी 15-17 स्पेशलाइज एजेंसीज हैं इत्यादि, उनके बारे में, ऐसे वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया, उनके बारे में थोड़ा देख लीजिए। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित नियामकों को उनकी स्थापना के सही अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। सेबी, इरडा, PFRDA, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। प्योरली फैक्चुअल है, देखिए तीनों हैं तो स्टैचुटरी बॉडी, बट सबसे पहले सेबी बना था 1992 में, फिर इरडा 1999 में और PFRDA 2003 में, तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, इट्स अगेन रादर फैक्चुअल। क्वेश्चन 66, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनें। पहला, ट्रिकल डाउन थ्योरी का तात्पर्य यह है कि निगमों और धनवानों पर कम कर लगाने से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा जो लंबे समय में समाज के लिए फायदेमंद है, और कराधान को कम करते हुए खर्च बढ़ाने और बनाए रखने की राजकोषीय नीति के लिए वुडू अर्थशास्त्र अपमानजनक शब्द। देखिए आपको पता है वुडू क्या होता है, वो जो डॉल्स वगैरह होती हैं। देखिए यूजुअली जो मोस्ट ऑफ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आज के समय में वेलफेयर इकोनॉमिक्स का ज़माना है, मींस टैक्स द रिच एंड स्पेंड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पुअर, और इवन इफ यू डोंट टैक्स देम लाइटली आपको डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पे खर्च करना, हेल्थ इंश्योरेंस पेंशन इत्यादि, इस पर बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कीजिए, आप कम टैक्स रखिए, लेकिन उसके अगेंस्ट ये एक ट्रिकल डाउन थियोरी है, बहुत ही लिबरल मार्केट इकोनॉमिक्स बेस्ड है। कहते हैं कि आप जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कॉरपोरेशन है, उन पर ज़्यादा टैक्स मत लगाइए,
अगर उन पर टैक्स लगाएंगे ज़्यादा तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे आपके देश में, वो अपना पैसा ले कहीं और चले जाएंगे। लेकिन आप अगर उनको टैक्स नहीं लगाएंगे, लाइटली टैक्स करेंगे, तो आप पब्लिक वेलफेयर पे कैसे स्पेंड करेंगे? तो इनका कहना है कि अगर आप उनको कम टैक्स लगाएंगे तो वो आप ही के देश में इन्वेस्ट करेंगे, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, जॉब्स मिलेंगी तो उस पैसों से वो अपना एजुकेशन, हेल्थ इत्यादि उस पर खर्च कर सकते हैं। तो ट्रिकल डाउन मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ वो ट्रिकल करेगा जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इस थ्योरी का बेनिफिट्स होगा। अगेन ये एक थियोरिटिकल फ्रेमवर्क है, बहुत ही लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में और बहुत ही लिमिटेड समयावधि के में ये सही हो सकता है, लेकिन लार्जली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के लिए, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये कम्प्लीटली गलत है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये वेस्टेड इंटरेस्ट्स के द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है कि आप इंडस्ट्रीज़ को, कॉरपोरेशंस को और वेल्दी इंडिविजुअल्स को टैक्स मत कीजिए अन्यथा वो भाग जाएंगे। नहीं, ये बस वही डराने की टैक्टिक है, लेकिन ये वर्ड है कि ट्रिकल डाउन थ्योरी इसको डिस्क्राइब करती है। दूसरा, कराधान को कम, देखिए दरअसल ये जो वुडू इकोनॉमिक्स वर्ड है, ये हाल ही में इनका निधन हुआ, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर, उन्होंने उनके पहले जो राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रेगन, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी को डिस्क्राइब करने के लिए ये वर्ड का इस्तेमाल किया। वो बेसिकली उनका मजाक उड़ा रहे थे अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट का, दोनों सेम पार्टी से थे, बट वो कह रहे थे कि आप एक तरफ तो खर्च जितना था उतना ही रख रहे हैं और खास करके कुछ सेक्टर्स में बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन आप टैक्सेस कम कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आप अगर ऐसा करते रहेंगे तो ये देश की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं है ओवर लॉन्ग रन। आप इतना पब्लिक डेट, इतना फिस्कल डेफिसिट बढ़ा लेंगे कि आपका सारा का सारा इनकम, सारा का सारा बजटरी प्रोविजन इंटरेस्ट पेमेंट में जाने लगेगा, जो नॉर्मली कहते हैं कि ऑब्वियसली बात है, कोई हाउस होल्ड भी है, अगर आप इनकम कम करते हैं तो आपको खर्च भी कम करना चाहिए, और आपका खर्च ज़्यादा है तो इनकम बढ़ाना चाहिए। तो ये कह रहे थे कि ये जादुई इकोनॉमिक्स है इनकी, एक तरफ ये टैक्सेस कम कर रहे हैं या और बढ़ा नहीं रहे हैं, और दूसरी तरफ खर्च इनका बढ़े जा रहा है। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, दोनों। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए इस ये दिसंबर 2016 से लेके मार्च 2017 तक रही थी। इसके पहले एक स्कीम आई थी, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, 16 में ही, लिखने से कुछ महीनों पहले। प्रोविजंस क्या थे कि अगर आपके पास अनडिक्लेयर्ड एसेट है, इन एसेट वेल्थ इत्यादि, देश में या बाहर, अलग अलग स्कीम थी, पहले फॉरेन मनी के लिए आई, फिर डोमेस्टिक मनी के लिए आई। कहा था कि आपके पास अगर कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, काला धन है, जिसमें आपने टैक्सेस पे नहीं किए हैं, हाँ अगेन आप ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि आपने किसी का खून करके या किसी का अपहरण करके कमाया है, वो काला धन भी आप डिक्लेयर कर दीजिए, नहीं। अगर आपने जेन्युइन बिजनेस के थ्रू काला धन कमाया है कि भाई आपको इतना इनकम हो रहा था, इतना मुनाफा हो रहा था, लेकिन आपने वो दिखाया नहीं, आपके नाम पे ये पुश्तैनी जमीन है लेकिन आप उसको दिखा नहीं रहे, वो बेनामी प्रॉपर्टी बनी हुई है, वो इसमें था कि आपने क्राइम करके ड्रग्स बेच के कमाया है, नहीं, उस पैसे की बात नहीं है यहाँ पे। तो अगर आपके पास ऐसा अनअकाउंटेड वेल्थ है, आप उसको डिस्क्लोज कीजिए, उस पर आप टैक्सेस पे कीजिए, पेनल्टी दीजिए, सेस दीजिए, जो कुल मिला के टोटल अमाउंट का 50% हो जाता था, बाकी 50 में से 25 आप 4 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिए, जिसका 4 ईयर लॉक इन पीरियड होगा। ये एक गरीब कल्याण कोच था, उसमें जो लॉक इन है उसके बाद आप उसको रिडीम कर सकते हैं, आप वापस ले सकते हैं, और बाकी 25% यू कैन टेक अवे अप फ्रंट। सो दिस वॉज द स्कीम। अब इसकी मेरिट डीमेरिट में जाना इस क्वेश्चन के स्कोप के बाहर है, तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन बी, काले धन का पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर में चक्रवातों के नामकरण में भाग लेता है? देखिए आपको पता है कि कोई भी ओशियन बेसिन है, वहाँ पे जो साइक्लोन्स आते हैं उसका नाम, उसको एक नाम दिया जाता है, उसकी एक रीजनल कमेटी होती है, और उसके मेंबर्स बारी बारी से आने वाले साइक्लोन्स को नाम देते हैं। तो भले ही अगला साइक्लोन अगर बांग्लादेश को इम्पैक्ट करने वाला है, ये हो सकता है कि उसका नाम किसी इंडिया ने दिया हो, श्रीलंका ने दिया हो, इट इज़ पॉसिबल। बारी बारी से नाम उसमें नॉमिनेट किए जाते हैं। तो कहा गया है कि इंडियन ओशियन में आने वाले चक्रवातों को आप, यू मेक श्योर कि आप IMD की वेबसाइट पे जाएं और लिस्ट देखें, आपको पता चलेगा कि जो आने वाला है, जो आया भी नहीं है, उसका नाम पहले से डिसाइड किया हुआ है, फिर भले ही वो इंडिया को इम्पैक्ट करे, श्रीलंका को इम्पैक्ट करे, या पाकिस्तान को इम्पैक्ट करे, नाम देख लिया, नामकरण हो गया उसका पहले से ही।
कहा गया है कि इनमें से कौन कौन से देश भाग लेते हैं। देखिए 8 देश हैं, ओमान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, म्यांमार एंड थाईलैंड, इसके अलावा कोई नहीं। तो यहाँ पे इंडोनेशिया एंड यमन बाहर हो गए। आपका आंसर है ऑप्शन डी, केवल 1 और 4। इसके अलावा आप IMD की वेबसाइट पे जाएंगे तो एक और चीज़ देखिएगा कि साइक्लोन्स का कैसे कैटेगराइजेशन किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर विंड स्पीड। तो क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसमें से असत्य कथन कौन सा है ये बताइए। कि बिजली का उत्पादन करने के लिए कुल स्थापित क्षमता में से, यानी कि टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, कि हम इतना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है में से नवीनीकरण के 20% से कम है। देखिए एक्चुअली थर्मल है 63.84%, ये रफ फिगर्स हैं। न्यूक्लियर है 1.95%, लार्ज हाइड्रो, स्मॉल हाइड्रो नहीं लार्ज हाइड्रो 13.09%, एंड रिन्यूएबल है 21.12%। पहला है कि नवीनीकरण सूत्र 20% से कम है, गलत हो गया। दूसरा देखिए आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि मैं एग्जैक्ट फिगर्स ना पूछूं, कि ये नहीं पूछा कि 21% है, कम ज़्यादा ट्रेंड वगैरह इस तरह की चीज़ें, कुछ इनकंसिस्टेंट लगे, इस तरह की चीज़ें पूछना बेटर है। हाँ, नो वन इज सेइंग कि UPSC वैसे नहीं पूछेगी, एक दिन वो भी आ सकता है, अब तक नहीं आया है लेकिन आ सकता है कि UPSC बोले कि भाई अब आप हमें रैंकिंग बताइए, आप रैंकिंग भी देख लीजिए, सबसे कम न्यूक्लियर, फिर हाइड्रो, फिर रिन्यूएबल एंड फिर थर्मल। तो ऑब्वियसली पहला गलत हो गया। दूसरा, अक्षय स्रोतों के भीतर सौर ऊर्जा में सबसे अधिक क्षमता है। दरअसल देखिए रिन्यूएबल में टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो रफली 73 गीगावाट है, उसके अंदर 35 विंड है और 24 सोलर। देखिए जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो सोलर में कहीं ज़्यादा है विंड से आने, क्योंकि आपको पता होगा जो इंडिया के INDC टारगेट्स हैं, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन कंट्रीब्यूशन, उसमें जो 175 गीगावाट में, उसमें 100 गीगावाट तो सोलर है, 60 विंड है, 10 बायोमास है और 5 स्मॉल हाइड्रो है। तो जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो विंड में सोलर से कहीं ज़्यादा है, बट करेंटली विंड में ज़्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा, बड़ी पनबिजली परियोजनाओं को अक्षय ऊर्जा सूत्र में नहीं गिना जाता। देखिए आप कैसे, आपको आपका कहना ये रीजनेबल होगा कि वो भी तो मतलब रिन्यूएबल है, उसमें कोई फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं हो रहा, स्टिल स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को ही रिन्यूएबल में गिना जाता है बिकॉज इट इज सस्टेनेबल। आई थिंक द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज सस्टेनेबल है क्या, स्मॉल हाइड्रो सस्टेनेबल है एंड ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीज कि जो लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं, वो सस्टेनेबल नहीं है, उनका इकोलॉजिकल और सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो तीसरा सही है, आपको चुनना था असत्य कथन, पहला और दूसरा असत्य है, आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 70, A2AD शब्द जो अक्सर समाचारों में होता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए इसका फुल फॉर्म है एंटी एक्सेस एरिया डिनायल। दरअसल यहां पे देखिए, यहां पे आपका आंसर है ए, यह रक्षा क्षमताओं का एक ऐसा समूह है जो एक क्षेत्र में शत्रु ताकतों की पहुंच और गतिशीलता को नकार सकता है। आंसर है ए, अपना उसको एक्सप्लेन करता हूं। हाल ही में दो एरियाज, साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी, यहाँ पे चाइनीज गवर्नमेंट सर्टेन सेट ऑफ मिलिट्री एक्टिविटीज कर रही है जो माना जा रहा है, हालांकि ये एक थियरी है अभी तो, कि इट इज़ इन द परस्यूट ऑफ दिस स्ट्रेटजी। देखिए क्या है कि आपको पता है कि चाइना एक राइजिंग पावर है एंड अमेरिका भी उसको एज अ राइजिंग थ्रेट परसीव करता है, तो ये चाइनीजों का भी हक बनता है कि वो अपने डिफेंस को बॉल्स्टर करें, उसे कंसोलिडेट करें। तो उनका मानना है कि अगर हम समहाउ अमेरिकन नेवी को साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में फ्रीली ऑपरेट करने से रोक सकें, या जब वॉर हो तो उन्हें इस एरिया में ना आने दें, तो
चाइना को खुद को डिफेंड करने में काफ़ी आसानी होगी. सो व्हाट दे डू, दे ट्राई टू डिनाई एक्सेस टू साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी. ये मैं एक सिर्फ कॉन्टेक्स्ट है, ये इंडिया में आप कह सकते हैं कि इंडिया बंगाल की खाड़ी और अरेबियन या अरब सागर या हिंद महासागर के लिए भी ए टू ए डी स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहा है. इट इज़ पॉसिबल एनीवेयर, बट पॉइंट इज दीज आर अ ब्रॉड सेट ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, अ रेंज ऑफ रडार्स एंड इंस्टॉलेशंस. वहाँ पे आप मिसाइल डिफेंस हो गया, रडार हो गया, कम्युनिकेशंस हो गए, माइंस, आपको सी माइंस हो गई, आपके मतलब वैसे उस तरीके की नेवल शिप्स हो गए, क्रूज डिस्ट्रॉयर्स इत्यादि, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हो गए. पता चला कि आपने बैटरी ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स लगा रखी है कि जैसे ही कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है, कोई सपोज कोई अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो साउथ चाइना सी में इंटर होने की कोशिश ही करता है, तो चाइनीज फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस काफ़ी तेज़ी से मिसाइल्स उस पर फेंकेंगे कि वो इंटर ही ना कर पाए. तो दीज आर अ ब्रॉड रेंज ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटीज़. अभी ये चाइना के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा डिस्कस होता है, बट इट कैन बी अप्लाइड टू एनीवेयर. आप कह सकते हैं कि इंडिया भी धीरे धीरे ऐसी ए टू ए डी कैपेसिटीज डेवलप कर रहा है कि, बट है क्या कि इंडिया का किसी कंट्री से इंडियन ओशियन में ऐसा एडवर्सरियल रिलेशनशिप नहीं है, जो कोई लोकल थ्रेट नहीं है, और जो वेस्टर्न पावर्स हैं, फ्रांस हो गए, यूएस हो गए, इनके साथ काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं. तो इंडिया नीड नॉट डेवलप देम इवन इन नियर फ्यूचर. बट चाइना के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं है, दे हैव टू बी वर्किंग. इसलिए आपने सुना होगा पिछले कुछ सालों में चाइना साउथ चाइना सी में कई आर्टिफिशियल आइलैंड्स डेवलप कर रहा है, जो नेचुरल अटॉल्स हैं वहाँ पे, मतलब आर्टिफिशियल आइलैंड्स डेवलप कर रहा है, और उन आर्टिफिशियल आइलैंड्स पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस लगा रहा है. वहाँ पे क्या होंगे, रडार्स होंगे वहाँ पे, मतलब स्कैनिंग वगैरह के लिए, बैटरीज ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजीज होंगी वहाँ पे, ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट होगा. सो दीज आर अ ब्रॉड रेंज ऑफ मिलिट्री कैपेसिटीज. तो ए टू ए डी शब्द यह रक्षा क्षमताओं का एक ऐसा समूह है जो एक क्षेत्र में शत्रु ताकतों की पहुंच और गतिशीलता को नकार सकता है. सो आपका आंसर है ऑप्शन ए. थैंक यू वेरी मच.